हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारी 2000 रियल एनालिसिस सॉल्व प्रॉब्लम सीरीज का 9th लेक्चर है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में आपके रियल एनालिसिस की 2000 सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं और इस सीरीज का आपका ये 9th लेक्चर है और इसमें हम आपकी प्रॉब्लम नंबर 41 to 45 हम सॉल्व करेंगे। हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हमने IIT JM 2018 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी रियल एनालिसिस को सीखने में और समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट ए एन बी ए सिक्वेंस ऑफ बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, वेयर बी वन इज वन एंड बी टू इज वन एंड बी एन प्लस टू इज इक्वल टू बी एन प्लस वन। देन लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इसे। आपको गिवन है बी एन प्लस टू बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू बी एन प्लस वन और एवरी एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर। अब मुझे सीक्वेंस लिमिट चाहिए किसकी, ए एन की। तो वो मुझे कैसे डिफाइंड है, ए एन सीक्वेंस कैसे डिफाइंड है, रेशियो ऑफ बी एन मुझे डिफाइंड है ए एन सीक्वेंस। तो यहाँ पर डिवाइड करूँगा किससे, बी एन प्लस वन से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी एन प्लस वन। तो व्हाट आई गेट इज बी एन प्लस टू अपॉन बी एन प्लस वन इज इक्वल टू बी एन अपॉन में बी एन प्लस वन प्लस वन। आपको एक चीज़ मिल गई, बट वट इज दिस, दिस इज ए एन प्लस वन, दिस इज नथिंग बट दिस इज ए एन प्लस वन बाई डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन ऑफ ए एन प्लस वन कितना आ जाएगा, ए एन प्लस वन इक्वल टू बी एन प्लस टू अपॉन बी एन प्लस वन। सो दिस इज बाई ए एन प्लस वन एंड दिस इज वन अपॉन ए एन प्लस वन। सो इट इम्प्लाइज ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए एन प्लस वन और एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको ये रिलेशन आ गया ए एन की टर्म्स के अंदर। अब क्या करेंगे, लेट लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल एज एन गोज टू इन्फिनिटी, देन using relation a n plus 1 equals to 1 upon a n plus 1 taking limit both side we get limit n goes to infinity a n plus 1 equals to limit n goes to infinity 1 upon a n plus 1. So this will be equals to, this is just l, the 1 upon l plus 1, it implies l square minus l minus 1 equal to 0, it implies l equals to माइनस प्लस रूट फाइव बाई टू। एल के आपको दो वैल्यू मिल गई यहाँ पे, वन इज एल इक्वल्स टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एल अदर इज एल इक्वल्स टू वन माइनस रूट फाइव बाई टू। बट अगर आप देखेंगे आपका जो ए एन सिक्वेंस है, कैसी सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ए एन इज सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, इट मीन्स आपका जो ए एन जाएगी कन्वर्ज करेगी, इट इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेस टू एल और एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपका जो एल है कभी नेगेटिव होने होगा नहीं, सो इट इम्प्लाइज एल कैन नॉट बी वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो आपका एल ही हो नहीं सकता, इट इम्प्लाइज एल मस्ट बी इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू, इट इम्प्लाइज एल इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो व्हाट इज ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
वन प्लस रूट फाइव बाई टू। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ आपको उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन। अब उसने आपको लिमिट फाइंड करने के लिए बोला है और आपको चार ऑप्शन गिवन है और चार ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ आपको उसने ये बोला हो कि आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि आपकी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मैंने अज्यूम कर लिया और उसके बाद मैंने लिमिट को फाइंड आउट कर लिया और मेरा आंसर मैंने निकाल लिया। बट माई क्वेश्चन इज वाई डू लिमिट ऑफ दिस सिक्वेंस ए एन एग्जिस्ट, यहाँ पे सिक्वेंस ए एन की लिमिट एग्जिस्ट क्यों करेगी, ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हम एग्जाम के अंदर इतना नहीं सोचेंगे, हम एग्जाम के अंदर जैसे ज्यूम करेंगे आपकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप आंसर निकाल लेंगे। बट आप क्योंकि हम फिलहाल एग्जाम में नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना है कि वाई दिस लिमिट ऑफ ए एन एग्जिस्ट। तो अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्स के अंदर, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं रीएनालिसिस की। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको आपको ये प्रूव करना है कि वाई लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन एग्जिस्ट। लिमिट हम निकाल चुके हैं, इसकी लिमिट कितनी आएगी, वन प्लस रूट फाइव बाई टू। बट क्वेश्चन इज वाई दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये आपको होमवर्क है, एक ईजी एक्सरसाइज है, आपको प्रूव करना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट क्यों करेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड 42 क्वेश्चन आपके इस सीरीज का। तो यहाँ पे अगेन आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको सीरीज का सम पूछा है उसने, देखिए कैसे करेंगे। माई xn इज हेयर माइनस नॉट xn an इज इक्वल्स टू n प्लस वन बाई एन, और मुझे समेशन करना है n वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन इंटू ए एन प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल n, तो मुझे समेशन करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं n प्लस वन की यूजिंग दिस रिलेशन, सो इट विल बी n प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल n। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आपका n इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन इंटू में एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा ये, तो इसके साथ कंबाइन होकर इसलिए फैक्टोरियल n प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। ओके हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन एन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का फैक्टोरियल। हमें तीनों टर्म को अलग अलग कर दिया यहाँ पे। नाउ दिस इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो मैंने ओपन कर लिया एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो एन विल गेट कैंसिल आउट, सो इट विल गेट एन माइनस वन का फैक्टोरियल बच जाएगा यहाँ पे प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। नाउ आप इसको हम तीन अलग अलग सीरीज में सम कर लेंगे, वापस तो क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस समेशन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू वन प्लस एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो पास ये तीन सीरीज आ गई जिनका आपको सम करना है। ओके, इसको करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ई की पावर एक्स का क्या फॉर्मूला था आपके पास, ई की पावर एक्स इक्वल टू समेशन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आपके पास ई की पावर एक्स का ये वैलिड फॉर्मूला होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पास ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल माइनस वन पुट कर लेता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट ई की पावर माइनस वन इक्वल टू समेशन माइनस वन की पावर एन फॉर फैक्टोरियल एन
एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये आपके पास ई की पावर एक्स एक्सपेंशन जो आपको यहाँ पे यूज करना है सीरीज के अंदर। नाउ अब आपको जो पहली टर्म है आपके पास क्या है, पहली फर्स्ट टर्म इज दिस, फर्स्ट टर्म इज दिस, दिस इज जस्ट समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल। बट दिस इज बट माइनस वन की पावर एन प्लस वन इज सेम एज माइनस वन की पावर एन माइनस वन, सो इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट इक्वल टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल। And this is just equals to e to the power minus 1 by this formula. तो देखिए ये वाई दिस इज ई पावर माइनस वन, पहले तो आपको जो दोनों पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए यहाँ पे, और वो यहाँ पे क्या है सेम आपके पास एन माइनस वन एन माइनस वन, और यहाँ पर जो इंडेक्स है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जीरो से, तो यहाँ आपका एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन से, बट ये यहाँ पर कितना आपका एन माइनस वन से, तो ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, सो बाय डेफिनेशन दिस इज ई पावर माइनस वन। आपका जो पहली टर्म है वो आपका कितना आ रही है ई पावर माइनस वन। अब सेकेंड का सम करते हैं आपके पास, सम ऑफ सेकेंड ये कितना आपके पास समेशन माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू में वन अपॉन एन फैक्टोरियल एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। दिस इज जस्ट माइनस बाहर निकाल लेते हैं समेशन माइनस वन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और एन की वैल्यूज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ वैल्यू कितनी होगी आपके पास जस्ट ई की पावर माइनस वन माइनस वन। व्हाई, बिकॉज यहाँ आपका जो जीरो की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आएगी वो क्या होगी ई की पावर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे इट विल बी वन वन प्लस समेशन माइनस वन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और एन वेरीज फ्रॉम नाउ वन टू इन्फिनिटी। जीरो टर्म को मैंने अलग कर लिया वहाँ से आपको वन आ जाएगा, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन ई की पावर माइनस वन माइनस वन, सो दिस इज जस्ट दिस इज माइनस ई की पावर माइनस वन प्लस वन। आपको जो सेकेंड सीरीज था उसका सम कितना आएगा आपका माइनस ई की पावर माइनस सम कितना आपके पास दिस इज जस्ट माइनस ई की पावर माइनस वन प्लस वन। ओके नाउ फाइनली लास्ट सीरीज का सम करते हैं, आपका पास सीरीज क्या थी ये तो सम कितना आएगा समेशन माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन फैक्टोरियल एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी आएगी दिस इज जस्ट ई की पावर माइनस वन, बट आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडेक्स, तो ये टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी टू से, दिस इज जस्ट वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन, तो दिस इक्वल्स टू दिस। ये किसी को लोग आपके पास इसे जस्ट ई की पावर माइनस वन, यहां पुट करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी जो पहली दो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो और वन के कॉरस्पॉन्डिंग जो दो टर्म्स आएंगी प्लस और माइनस वन आएंगे वो आपके कैंसिल आउट हो गए, आपको दिस वैल्यू इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन। आप इसको चेक कर सकते हैं ई की पावर माइनस वन आएगी तो इसका आंसर भी कितना आएगा ई की पावर माइनस वन, दिस ई की पावर माइनस वन। अब इनको आपको सम कर देंगे ई की पावर माइनस वन, पहली सीरीज का सम आपके पास सेकेंड का कितना था माइनस ई की पावर माइनस वन प्लस वन और प्लस ई की पावर माइनस वन, दिस विल कैंसिल आउट इट विल बी वन प्लस ई की पावर माइनस वन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका वन प्लस ई की पावर माइनस वन, सो इट विल बी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन वन प्लस ई की पावर माइनस वन। तो एक आसान सा क्वेश्चन था आपको, बस जस्ट आपको यहाँ पे ई की पावर माइनस वन की एक्सपेंशन आपको यूज करनी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
लेट ए एन इज अ सिक्वेंस विच इज माइनस वन की पावर के माइनस वन, और आपको अगेन एक एसेंट सिक्वेंस डिफाइन कर दें इन टर्म्स ऑफ ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन, एंड देन हमने एक और सिक्वेंस डिफाइन किया सिग्मा एन विच इज एस वन प्लस एस टू अप टू एस एन बाई एन, देन आपको सिग्मा एन एन गोस टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले मैं ए वन निकालता हूँ, माई ए वन इज माइनस वन की पावर वन माइनस वन इज वन, ए टू इज माइनस वन की पावर टू माइनस वन विच इज माइनस वन, ए थ्री इज माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन विच इज वन, एंड सो ऑन। सो माई एस एन विल बी, एस एन विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज जीरो इफ एन इज इवन। अगर आपका एन इवन है इसकी सम कितना आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज वन, दिस वैल्यू इज माइनस वन, एंड सो ऑन। तो अगर आपका यहाँ पे एन अगर इवन होगा तो आपके पेयर में टर्म बनेंगी और सब पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट विल बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस फोर निकालें तो एस फोर कितना आएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, दिस इज जस्ट वन, दिस इज माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सो इट विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी जीरो। तो एस फोर इज जीरो, सिमिलरली एस सिक्स विल बी जीरो, एस एट विल बी जीरो, एंड सो ऑन अप, यानी एस एन विल बी जीरो इफ एन इज इवन बिकॉज टर्म्स विल कैंसिल आउट इन पेयर। नाउ वट इज एस एन इफ एन इज ऑड, वट विल बी एस एन इफ एस इन एन इज ऑड। फॉर एग्जाम्पल हम एस थ्री निकालते हैं, इट विल बी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, दिस विल बी वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट विल बी वन। एस थ्री वाली कितनी आएगी, वन आएगी, ऐसे आप एस फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन वन आएगी, एंड सो ऑन। सो इट विल बी एस एन विल बी वन इफ एन इज ऑड। तो यहाँ से आपको एक सिक्वेंस बनी एस एन, उसके लिए जीरो है अगर आपका एन इवन है, उसके लिए वन है अगर एन आपका ऑड है। नाउ अब मुझे एस एन को यूज करके सिग्मा एन डिफाइन किया है, अब सिग्मा एन की वैल्यू निकालते हैं। ओके नाउ सिग्मा टू एन, सिग्मा टू एन, सिग्मा टू एन मतलब क्या है, यहाँ पे एस वन प्लस एस टू अप टू एस टू एन अपॉन में टू एन। ओके अब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितनी टर्म्स आपके पास, टू एन टर्म्स हैं, दे आर टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स, टोटल टू एन टर्म्स हैं। तो टू एन टर्म्स में आपकी हाफ टर्म कितनी होंगी, इवन होंगी, और हाफ कितनी होंगी, ऑड होंगी। फॉर एग्जाम्पल एस वन इज इवन, सॉरी एस वन इज ऑड, एस थ्री इज ऑड, एस फाइव इज ऑड, एंड सो ऑन। और इवन टर्म्स कौन सी होंगी, एस टू एस फोर एस सिक्स एंड सो ऑन। तो आपको एग्जैक्टली हाफ टर्म्स आपकी इवन होंगी, एग्जैक्टली हाफ के पास क्या होगी, ऑड होंगी। आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस एग्जैक्टली एन हैव इवन इंडेक्स एंड एन हैव ऑड इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके एन ऐसे टर्म्स होंगी जगह इंडेक्स क्या होगा, इवन होगा, और एन ऐसे टर्म होंगी जगह इंडेक्स क्या होगा, ऑड होगा। नाउ बट जो जिनका इंडेक्स इवन है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, अपने आप पर लिखा है एस एन इज जीरो इफ दिस एन इज इवन, इट मीन्स एस टू इज जीरो, एस फोर इज जीरो, एस टू एन इज जीरो, सो दिस ऑल विल बी जीरो। उससे आप सिर्फ कौन सी टर्म बचेंगे जिसका इंडेक्स क्या होगा, ऑड होगा, एस वन एस थ्री एस फाइव एंड सो ऑन। और उनकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, वन प्लस वन प्लस वन हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स अपॉन में टू एन, इट मीन दिस इज एन अपॉन टू एन, दिस विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन टू एन विच इज सिग्मा टू एन, दिस विल बी हाफ, इट मीन्स सिग्मा टू एन इक्वल कितनी आएगा पास, वन बाई टू, और एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अपने यहाँ से नीचे निकाल ली कि सिग्मा टू एन आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, हाफ आएगी। अब मैं निकालता हूँ सिग्मा टू एन प्लस वन, यानी कि ऑड
सिग्मा टू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एस वन एस टू एस थ्री अप टू एस टू एन प्लस एस टू एन प्लस वन अपॉन में टू एन प्लस वन। बट अभी हमने निकाला इसकी वैल्यू कितनी आपके पास, एन दिस वैल्यू इज एन, तो एन प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी क्योंकि आपका इंडेक्स क्या यहाँ पे ऑड है तो इसकी वैल्यू वन होगी, दिस इज वन अपॉन में टू एन प्लस वन, सिग्मा टू एन प्लस वन और एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपकी जो सिग्मा एन सिक्वेंस है उसके पास दो सब सिक्वेंस है, एक ऑड वाली और एक इवन वाली, इट इम्प्लाइज सिग्मा टू एन गोज टू वन बाई टू बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट सिक्वेंस, एंड सिग्मा टू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन एंड दिस ऑल्सो गोज टू वन बाई टू। तो सब सिक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स गोज टू वन बाई टू, सब सिक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स गोज टू वन बाई टू, इट मीन्स सिग्मा एस एन गोज टू वन बाई टू, इट इम्प्लाइज सिग्मा एन गोज टू वन बाई टू, इट मीन्स लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी सिग्मा एन गोज टू वन बाई टू। तो सिग्मा एन के पास दो सब सिक्वेंस है ऑड वाली और इवन वाली, और दोनों सब सिक्वेंस कहाँ जा रही है, वन बाई टू पे जा रही है, इट मीन्स सिग्मा एन इटसेल्फ गोज टू वन बाई टू। अब कहाँ से कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, टू वन बाई टू। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको एक सीक्वेंस गिवन है ए एन इक्वल्स टू माइनस एन पावर एन अपॉन वन प्लस एन का अंडर रूट, और एक आपको सीक्वेंस सी एन गिवन है इन टर्म्स ऑफ ए एन, देन आपको बताना है कि कौन सी आपकी जो सीरीज है दोनों में से कन्वर्जेंट होगी और कौन सी आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो पहले हम ए एन को लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू कितना आपके पास, माइनस वन पावर एन अपॉन में वन प्लस एन का अंडर रूट, देन सिग्मा ए एन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू सिग्मा जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन अपॉन में वन प्लस एन का अंडर रूट। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज, दिस अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज है तो आपके पास कौन सा टेस्ट होता है, लेबनिज़ टेस्ट। लेबनिज़ टेस्ट में क्या होता है आपके पास, समेशन माइनस वन की पावर एन यू एन आपके पास होता है, यू एन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो माइनस वन की पावर एन इंटू माई यू एन वेर यू एन इज पॉजिटिव, तो इफ माई यू एन इज डिक्रीजिंग सिक्वेंस, इज डिक्रीजिंग सिक्वेंस एंड सेकेंड यू एन गोज टू जीरो, देन इट इम्प्लाइज समेशन माइनस वन की पावर एन यू एन इज कन्वर्जेंट। आपके पास टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबनिज़ टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहाँ आपको अगर कंपेयर करते हैं आपका यूएन कितना बनेगा, यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एन का अंडर रूट, एंड दिस इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यूएन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड ऑल्सो यूएन गोज टू जीरो, सो बाय यूजिंग लेबनिज़ टेस्ट माई सीरीज समेशन एन इज कन्वर्जेंट, तो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, इट इम्प्लाइज summation a n 1 to infinity is convergent। तो आपके पास कैसा है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आपको ऑप्शन जो डी है और सी है दोनों गलत हो जाएंगे, बिकॉज दोनों में आपको क्या बोल रहे हैं, a sigma a n is divergent, तो दोनों गलत हो जाएंगे, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। हाँ, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और उसको चेक करने के लिए मुझे सिग्मा सी एन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम अब सिग्मा सी एन को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो देखिए पहले हम सिग्मा सी एन निकालते हैं, उसके लिए मुझे सी एन निकालना होगा, पहले सी एन निकालते हैं, सी एन क्या है आपके पास, तो सी एन निकालते हैं,
सी एन इज गिवन इक्वल्स टू समेशन के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन ए एन माइनस के इंटू में ए के, वेयर ए एन इज गिवन टू बी माइनस वन की पावर एन अपॉन में वन प्लस एन का अंडर रूट। ये आपको ए एन गिवन है और ये आपको सी एन गिवन इन टर्म्स ऑफ ए एन। ओके, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन ए एन माइनस के वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पे एन की जगह एन माइनस के पुट कर देंगे, उसके क्या बन जाएगा माइनस वन की पावर एन माइनस के अपॉन वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट इंटू में ए के, वो कितना हो जाएगा अगेन यहाँ एन की जगह के पुट कर देंगे तो माइनस वन की पावर के अपॉन वन प्लस के अंडर रूट। इस चीज़ आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन की पावर एन माइनस के प्लस के, बेस सेम पावर ऐड कर लिया हमने माइनस वन की अपॉन में वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट इंटू में वन प्लस के अंडर रूट। तो दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन की पावर एन अपॉन में वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट इंटू वन प्लस के अंडर रूट, जिसमें सी एन, ये आपके पास सी एन आ गया। ओके, अब देखेंगे अगर आपका एन इवन होगा तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव बिकॉज माइनस वन की पावर एन विल बी पॉजिटिव, इफ माई एन इज ऑड दिस विल बी नेगेटिव। तो इसको आगे करने के लिए पहले इसका मॉडल ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव टर्म बना लेते हैं, सी एन का मॉडल ले लेते हैं, इट विल बी समेशन के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन वन अपॉन वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट और अंडर रूट ऑफ वन प्लस के। तो ये आपके पास सी एन का मॉड आ गया। नाउ अब हम यहाँ यूज करेंगे भाई अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। आपको ये चीज पता होगी, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। इट इंप्लाइज अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई अंडर रूट, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वन प्लस एन माइनस के, दिस इज माई फर्स्ट वन टर्म, सेकेंड इज वन प्लस के, तो सम ऑफ दिस बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू देयर ज्योमेट्रिक मीन विच इज वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट और इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस के। मैंने दो नंबर्स के ऊपर आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया, इट इम्प्लाइज के विल कैंसिल आउट, इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट एन प्लस टू बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट इंटू में वन प्लस के। नाउ अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से वन अपॉन वन प्लस एन माइनस के अंडर रूट इंटू में रूट ऑफ वन प्लस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू अपॉन में एन प्लस टू, आपको ये चीज़ मिल गई। अभी इट मीन्स ईच ऑफ दिस टर्म, ईच ऑफ दिस टर्म इज बिगर देन दिस टर्म। अब हम जाते हैं सी एन के ऊपर, हमारे पास सी एन क्या था, माई सी एन इज दिस, सी एन इज समेशन ऑफ के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन एंड दिस टर्म, बट दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस इंडिविजुअल टर्म इज ग्रेटर देन टू अपॉन में एन प्लस टू, एन प्लस टू दिस टर्म इज बिगर देन दिस। अभी हमने प्रूफ किया यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस समीकरण में कितनी टर्म्स है आपके पास, के इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एन, सो दे आर एन प्लस वन टर्म्स, दे आर एन प्लस वन टर्म्स, एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सो दिस सम इज बिगर देन टू एन प्लस वन, तो देर आर एन सच टर्म्स, और सम करेंगे आपके पास ये जो पूरा सम आएगा इससे बड़ा हो जाएगा।
इट मीन्स माय सी एन का मॉड, इट इम्प्लाइज माय सी एन मॉड इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल्स टू टू एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू, विच इज टू एन प्लस टू अपॉन में एन प्लस टू. Obviously, this value is bigger than 1. It implies Cn ka mod is always bigger than 1 for every n belongs to natural number. आपके पास एक सीरीज है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या एक से बड़ी है. It implies Cn ka mod cannot converge to कन्वर्स टू जीरो. अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एक से बड़ी है तो ये चीज़ कहाँ कन्वर्ज नहीं कर सकती. इट कैनॉट कन्वर्स टू जीरो. इट इम्प्लाइज सी एन कैन नॉट कन्वर्स टू जीरो, कैन नॉट कन्वर्स टू जीरो. अब आपके पास एक सीरीज है जिसका जो सी एन है वो क्या कर रहा है, जीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है. सी एन डज नॉट कन्वर्स टू जीरो, इट मीन्स दिस सीरीज कैन नॉट बी कन्वर्जेंट. अब जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं हो सकती है, तो माय ऑप्शन विल बी सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज दिस सेज दिस सीरीज सम सी एन इज कन्वर्जेंट बट दिस इज रॉन्ग. सो माय ऑप्शन ए इज फॉल्स. Option B is true. Summation A is convergent and summation Cn is not convergent. तो ये आपका पास एक क्वेश्चन था IIT JAM 2018 से. अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज दिस रिक्वायर्ड सम एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. तो एक अच्छा क्वेश्चन था आपको. तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45. इट्स अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन से. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास. ये क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके पास ए बी सी तीन आपके रियल नंबर्स हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डू नॉट रिजल्ट इन कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. आपको बताना है कि किस वैल्यूज ऑफ ए बी सी के लिए ये सीरीज कन्वर्ज नहीं होगी आपको बताना है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. अब हमें यहाँ पे ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा. पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि इन ऑप्शंस ए की जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की ऑप्शन ए में उनके लिए सीरीज कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी. तो आपका मॉड ऑफ ए इज लेस देन वन, बी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. और आपको माना था सिक्वेंस एक्स एन आपके पास ये है ए एन अपॉन में एन की पावर बी लॉग ऑफ एन की पावर सी. तो मुझे समेशन एक्स एन के बारे में पता करना है कि वो कन्वर्ज है या नहीं है. ओके अब क्योंकि आपके पास बी और सी सब क्या है, आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और ए आपका पास का मॉड क्या है लेस देन वन, इट मीन्स इट कैन बी नेगेटिव, एक्स एन कैन बी नेगेटिव. तो इसका मॉड लेना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव. क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एन की पावर एन अपॉन में एन की पावर बी लॉग ऑफ एन की पावर. अब आपके पास ये सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव टर्म. अब यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के. तो सबसे पहले मैं लगाता रेशो टेस्ट. तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन निकालते हैं इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन की पावर बी लॉग ऑफ एन प्लस वन की पावर सी अपॉन में मॉड ऑफ ए की पावर एन एन की पावर बी और लॉग ऑफ एन की पावर सी. इट विल कैंसिल आउट, इट विल जस्ट मॉड ऑफ ए, इट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एन की पावर बी अपॉन में एन प्लस वन की पावर बी लॉग ऑफ एन अपॉन में लॉग ऑफ एन प्लस वन उस पूरे की पावर सी. It implies x n plus 1 upon x n equals to mod of a
वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन की पावर बी, ऐसा मैंने एन कॉमन निकाल के एन की पावर बी कैंसिल आउट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन अपॉन में लॉग ऑफ एन प्लस वन की पावर सी. टेकिंग लिमिट बोथ साइड इट इंप्लाइज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी पास, दिस इज मॉड ऑफ ए. सो दिस वैल्यू गोज टू वन एंड दिस वैल्यू गोज टू वन बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल. सो माई लिमिट विल बी मॉड ऑफ ए और वो आपको लेस देन वन गिवन है. इट इंप्लाइज बाय रेशो टेस्ट, बाई रेशो टेस्ट समेशन एक्शन मोड कन्वर्ज. आपका जो समेशन एक्शन है कन्वर्ज करेगा, इट मीन्स समेशन एक्शन कन्वर्ज, समेशन एक्शन कन्वर्ज एब्सोल्युटली. तो समेशन एक्शन कन्वर्ज आपको जो ऑप्शन ए में आपको जो ए बी सी वाले गिवन है बाय दोस माय समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट. तो इन ऑप्शन आपका जो सीरीज आ रही है कन्वर्ज आ रही है, दिस इज कन्वर्जेंट. पर्सन ने पूछा है डू नॉट कन्वर्ज, तो आपका ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, ये माई ऑप्शन ए इज रॉन्ग इन दिस केस. नाउ फॉर ऑप्शन बी, बी के लिए आपको एक वैल्यू कितनी गिवन है वन एंड बी इज ग्रेटर देन वन एंड सी इज एनी रियल नंबर. तो अब क्या होगा आपके पास, एक्शन क्या बन जाएगा इस केस में आपके पास, माई एक्शन वेन ए इक्वल्स टू वन बी इज ग्रेटर देन वन एंड सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो एक्शन विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन में एन की पावर बी एंड दिस इज लॉग ऑफ एन की पावर सी. नाउ अब मुझे चेक करना है कि ये जो सीरीज आएगी समेशन एक्शन वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी. तो देखिए अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अपना आप में. ये देखिए कैसे करेंगे इसको. यहां पर हम दो केस बनाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन माय सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ध्यान रहे आपका जो सी है कुछ भी हो सकता है. तो यहां पर दो केस बनाएंगे आपका, जब सी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और आपका सी आपका लेस देन जीरो हो. तो पहला केस लेते हैं आपके, जो सी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. नाउ देन लॉग ऑफ एन टू द पावर सी इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू वन, सो इट इंप्लाइज वन अपॉन log n की पावर c इज लेस देन इक्वल्स टू 1, सो इट इंप्लाइज 1 अपॉन n की पावर b अपॉन में log ऑफ n की पावर c इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n की पावर b. बट वाई b इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट. सो दिस इज समेशन 1 अपॉन n की पावर b इज कन्वर्जेंट बिकॉज b इज ग्रेटर देन 1. So by comparison test, if this is convergent, so imply this is convergent. So it implies this is convergent. It implies summation xn is convergent. This is convergent. For what value of c when c is greater than equal to 0? Okay. Now when c is negative, if c is negative, then what? देखिए कैसे करेंगे कि सेकेंड व्हेन सी इज लेस देन जीरो बी इज ग्रेटर देन वन एंड माय एक्शन इज वन अपॉन एन की पावर बी लॉग ऑफ एन की पावर सी. ओके अभी आपको एक रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. रिजल्ट क्या है, लॉग ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एन की पावर अल्फा वेयर अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर. लॉग एन हमेशा आपका लेस देन रहता है किससे, एन की पावर अल्फा से, और अल्फा के आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर. ये आपका रिजल्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए. अब अगर आपको प्रूफ करना है ये प्रूफ व्हाई दिस इज ट्रू, तो उसके लिए आपको मैं हिंट बता देता हूँ कैसे करना है आपको. आप एक फंक्शन मान लीजिए
लॉग एक्स अपॉन में एक्स की पावर अल्फा, और इस पर आप लिमिट लगाइए, एक लिमिट लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर अल्फा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। इट मीन्स लॉग एक्स अपॉन में एक्स पावर अल्फा विल बी लेस देन वन और एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स नॉट। एक स्टेज के बाद ये वैल्यू हमेशा एक से क्या रहेगी, कम रहेगी, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, तो लॉग ऑफ एक्स विल बी लेस देन एक्स पावर अल्फा और एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स नॉट। एक स्टेज के बाद ये टर्म से ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स लॉग एन इज लेस देन इक्वल्स टू एन की पावर अल्फा फॉर एनी अल्फा ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट यूज करेंगे। ओके, सो लॉग ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एन की पावर अल्फा, इट इंप्लाइज लॉग ऑफ एन की पावर माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एन की पावर माइनस अल्फा सी। रिमेंबर माइनस सी इज नेगेटिव बट माइनस सी इज पॉजिटिव, तो मैंने दोनों साइड पॉजिटिव पावर माइनस सी से रेज कर दिया, इट इंप्लाइज वन अपॉन लॉग ऑफ एन की पावर सी इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर अल्फा सी। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वन अपॉन एन की पावर पी, इट इंप्लाइज वन अपॉन एन की पावर पी लॉग ऑफ एन की पावर सी इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी प्लस अल्फा सी। अब अपने ये यहाँ पे कंपेयर करना है इस चीज़ को। अब ये सीरीज कन्वर्ट कब करेगी, इफ एंड ओनली इफ दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, मीन्स पी प्लस अल्फा सी मस्ट बी ग्रेटर देन वन, इट इंप्लाइज पी पावर एन की पावर बी है ये, नॉट पी, दिस बी, दिस बी, इट मीन्स अल्फा सी मस्ट बी ग्रेटर देन वन माइनस बी, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर लेस देन वन माइनस बी बाई सी। रिमेंबर माई बी इज ग्रेटर देन वन, सो दिस क्वान्टिटी इज नेगेटिव बट सी इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस रेशियो इज पॉजिटिव, सो इट इम्प्लाइज माई अल्फा मस्ट बी लेस देन वन माइनस बी बाई सी। इफ माई अल्फा इज लेस देन दिस क्वान्टिटी, दिस होल क्वान्टिटी विल बी ग्रेटर देन वन एंड हेंस दिस सीरीज विल कन्वर्ज। But I can choose alpha anything because alpha is any positive number. अगर आपको alpha कोई भी given है तो आपको मेरे को b given होगा, मुझे c given होगा, दोनों को use करके alpha को less than ये assume कर लूँगा, let my alpha be less than 1 minus b by c, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी value से बड़ी हो जाएगी, it means this will be converge, so this will be converge, it means for all cases this summation xn is convergent. So this condition also implies summation xn converge. So this option is also wrong because मुझे do not converge बताना है। Now what about option C? If a is 1, b is greater than 0 and c is less than 1. Now अगर a को हाँ 1 put कर देते हैं, मेरे पास xn क्या बनेगा? xn equals to 1 upon n की power b log of n की पावर c, where b is greater than equal to 0 and c is less than 1. Okay, but यहाँ पे c को 0 पुट कर लो, हम कर सकता हूँ क्योंकि c में कुछ भी ले सकता हूँ less than 1, let c equal to 0 and let b equals to 1 by 2, because b is greater than equal to 0, so take b equal to half, take c equal to 0, तो आपके पास xn क्या बन जाएगा इस केस में, 1 upon 1 by root n, and we know this is divergent, so my option C is correct. So for these values this may or may not converge, so my option C is correct. Now what about option D?
ओके देखो ऑप्शन डी में क्या होगा, अगेन इजी है क्वेश्चन डी भी आपका। ऑप्शन डी आपको क्या गिवन है, ए इज माइनस वन, आपके पास एक्स एन क्या बन जाएगा इस केस में, माय एक्स एन इज माइनस वन की पावर एन अपॉन में एन की पावर बी एंड लॉग ऑफ एन की पावर सी, वेयर बी और सी पे क्या कंडीशन है आपके पास, बी एंड सी बोथ आर पॉजिटिव, बी एंड सी बोथ आर पॉजिटिव। नाउ लेट यू एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन की पावर बी log of n की पावर c, तो u इज पॉजिटिव टर्म एंड दिस इज मॉनिटरिंगली डिक्रीजिंग बिकॉज b एंड c बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस इज डिक्रीजिंग, u n इज डिक्रीजिंग, ऑल्सो u n गोज टू इन्फिनिटी, u n गोज टू इन्फिनिटी बिकॉज बोथ b एंड c आर पॉजिटिव, सो यूजिंग लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज x n इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। So my only option is option C is correct for these values. This series actually do not converge. ये आपका हमने क्वेश्चन किए आपका IIT JAM 2018 से सेकेंड सीरीज के ऊपर, दो तीन क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई होप आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी रियल एनालिसिस को सीखने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे फर्दर मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा रियल एनालिसिस की और लीनियर अलजेब्रा दोनों की। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।